आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में एक यूट्यूब दे रखा है, इन विच द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लिम्ब ऑन द लेफ्ट इज 1/4। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो ये लिम्ब है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1/4 है राइट के कंपैरिजन में। ये वाले लिम्ब का क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1/4। ठीक है, ये लिम्ब का क्रॉस सेक्शन एरिया है 1/4 है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द राइट साइड। ओके, द लिम्ब ऑन द राइट कंटेन्स मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी की यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है हमें 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है, द लेवल ऑन द मर्क्यूरी इन द नैरो लिम्ब इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द ट्यूब। ठीक है, और हमें इसकी हाइट दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी हाइट है हमारे पास वो है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट है हमारे पास पूरी दे रखी है हमें 36 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, और फिर हमसे इसमें आगे पूछा गया है, वॉट विल बी द राइस इन द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी इन द राइट लिम्ब इफ द लेफ्ट लिम्ब इज फिल्ड टू द टॉप विथ वाटर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हमने इसमें यहाँ पे अब वाटर डाल दिया है। ठीक है, वाटर डाला है तो उसके कारण क्या होगा, ये जो मर्क्यूरी होगा वो कुछ एक्स डिस्टेंस तक यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा इंक्रीज, पहले अगर हम कुछ नहीं डालते यहाँ पे तो दोनों में मर्क्यूरी लेवल सेम साइड पे होता, पास्कल लॉ के हिसाब से दोनों सेम लेवल तक ही होता, क्योंकि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर होता है पास्कल लॉ के हिसाब से। अब चूंकि वाटर डाला हो गया होगा तो यहाँ का प्रेशर सेम नहीं होगा, इस कारण मर्क्यूरी को कुछ इंक्रीज करना पड़ा होगा। मान लेते हैं वो कुछ एक्स डिस्टेंस तक यहाँ से इंक्रीज कर गया होगा। अब चूंकि वो यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस अगर इधर इंक्रीज करा होगा तो यहाँ से ही मर्क्यूरी का लेवल कुछ ड्रॉप हुआ होगा। अब वो एक्स डिस्टेंस एक्स ही ड्रॉप नहीं होगा, क्यों नहीं ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं है, और चूंकि अगर इतना लेवल अगर यहाँ से एक्स लेवल तक उसका इंक्रीज हुआ है तो उतनी ही लेवल का वॉल्यूम यहाँ पे भी डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, यानी वॉल्यूम उतना सेम डिक्रीज होगा, ना कि लेवल इतना डिक्रीज होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो लेवल उसका डिक्रीज हुआ होगा वो वाई है। ठीक है, तो यहाँ से वाई डिक्रीज हुआ, यहाँ से एक्स इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ से हम चालू करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, मान लेते हैं इस साइड का एरिया है ए टू और इस साइड का एरिया हम मान लेते हैं ए वन मान लेते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए टू है वो 1/4 है ऑफ ए वन। ठीक है, ये हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारे पास सबसे पहले ए टू की वैल्यू है 1/4 टाइम्स ऑफ ए वन। ठीक है, अब यहाँ से हम वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, कितना वो लेवल डिक्रीज हुआ होगा राइट लेवल लेफ्ट लिम्ब से और कितना लेवल इंक्रीज हुआ होगा राइट लिम्ब से। ठीक है, तो इससे करस्पॉन्ड में हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स के टर्म्स में, वो हो जाएगी 4x। ठीक है, तो और हम प्रेशर निकालना, अब हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का प्रेशर हम दोनों सेम होगा पास्कल लॉ के हिसाब से। तो मान लेते हैं ये पॉइंट पे प्रेशर पी है और इस पॉइंट का प्रेशर क्यू है। ठीक है, अब हम प्रेशर निकालेंगे पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी पे हम प्रेशर कैसे निकालते हैं, सिंपल हम प्रेशर बैलेंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रेशर एट पॉइंट पी कितना हो रहा होगा। ठीक है, प्रेशर एट पॉइंट पी चाहिए कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट जो कि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, प्लस जो वाटर लेवल आया होगा। अब क्वेश्चन में लिखा था कि ये 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन हम 36 सेंटीमीटर वाटर नहीं भरा गया होगा, वाटर 36 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा भरा गया होगा, क्योंकि वाई लेवल यहाँ पे मर्क्यूरी का ड्रॉप भी हुआ होगा। ठीक है, तो वाटर कितना भरा गया होगा, 36 प्लस वाई। आमतौर पर लोग यही गलती करते हैं, 36 सेंटीमीटर ले लेते हैं, लेकिन वो 36 नहीं हुआ होगा, 36 प्लस वाई लेवल तक कुछ वाटर भरा गया होगा। ठीक है, तो कितना होगा, 36 प्लस वाई इंटू डेंसिटी वाटर इंटू जी। वही हम प्रेशर एट पॉइंट क्यू भी निकाल लेते हैं, प्रेशर एट पॉइंट क्यू कितना होगा, ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट जोड़ा होगा, प्लस अब यहाँ पे मर्क्यूरी लेवल इंक्रीज हुआ होगा, कितना इंक्रीज होगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी। अब प्रेशर एट पॉइंट पी बराबर प्रेशर एट पॉइंट क्यू करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहले ही हट जाएगा, तो सिंपल हमारा ये टर्म चल रहा होगा, 36 प्लस वाई, वाई की वैल्यू हम 4x डाल देते हैं, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इंटू जी। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे चल रहा होगा x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 4x है, यानी कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी। ठीक है, अब जी से जी हट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी को लिख लेते हैं 13.6। हम इसको सेंटीमीटर में ही चलने देते हैं क्योंकि सारी यूनिट हम सेंटीमीटर में ही चल रहे हैं, तो इंटू 13.6। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 36 प्लस 4x।
अब चूँकि हम सेंटीमीटर वाली यूनिट में चल रहे हैं तो ग्राम पर सीसी में डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ही होती है, तो ये 1 चल रहा होगा। ठीक है, अब 5x इंटू 13.6 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 68x। ठीक है, और इस साइड हमारा चल रहा है 36 प्लस 4x, यानी कितना हो जाएगा, इधर इधर भेजेंगे तो इसका 64x हो जाएगा। तो x की वैल्यू अपने पास आ रही होगी 36 डिवाइड बाई 64। ठीक है, 36 डिवाइड बाई 64 कितना होता है, ये होता है अपना 0.56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही अपना आंसर है 0.56 सेंटीमीटर, यानी कितना लेवल वो राइट लेम की तरफ से इंक्रीज हुआ होगा, तो कितना इंक्रीज होगा, 0.56 सेंटीमीटर, यानी अपना ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल का 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।